अब स्वागत है आपका हल्का हलचल में। और इस प्रोग्राम में हम आपको सुबह सुबह आपके हल्के में लेकर जाते हैं और वहां से लाइव आज की होने वाली हलचल के बारे में हम आपको बताते हैं। तो चलिए हम आपको लिए चलते हैं गुरुग्राम और फरीदाबाद, जहां से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो सबसे पहले हम रुख करेंगे गुरुग्राम का, जहां से हमारे संवाददाता गुंजन जोशी हमारे साथ जुड़ चुकी है। गुंजन, आज क्या कुछ खास रहने वाला है गुरुग्राम में? जी बिल्कुल, देखिए दुर्गेश, आज के अगर मैं बात करूँ तो सबसे जो बड़ी खबर है वो कोरोना को लेकर है, क्योंकि अब जिस तरह से लगातार देखिए बढ़ते जा रहे हैं, उसे लेकर स्वास्थ्य विभाग ने एक बड़ा कदम उठाया है, जिसके तहत स्वास्थ्य विभाग ने ये साफ किया है कि अगर आने वाले कुछ और दिनों में इसी तरह के मामले बढ़ते रहे तो प्रशासन को इस सब में इन्वॉल्व होना पड़ेगा। उन्होंने प्रशासन से अपील की है कि सख्त नियम लागू किए जाए। वहीं देखिए, जो दूसरी सबसे बड़ी खबर है वो आग को लेकर है, क्योंकि साइबर सिटी में जिस तरह से अब लगातार अलग अलग इलाकों में आग लग रही है वो देखिए कहीं ना कहीं जो है चिंता का विषय है। बीते रात भी एक ऐसा ही वाक्या सामने आया, जहां गुरुग्राम की शीतला कॉलोनी में करीब 10 से ज्यादा झुग्गियों में देखिए आग लगी। आग जो है वो बहुत भयानक थी। हालांकि देखिए, दमकल विभाग की 5 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने का काम किया गया, और फिलहाल जो है वो पुलिस पड़ताल कर रही है आग लगने के कारणों का। लेकिन जिस तरह से अब लगातार देखिए गर्मी बढ़ती जा रही है और गर्मी ऐसी गर्मी के मौसम में अब आग की जो ये खबरें सामने आ रही है वो देखिए कहीं ना कहीं लोगों को परेशान कर रही है, लोगों को जान माल का जो नुकसान है वो दे रही है। इससे पहले भी गुरुग्राम के अलग अलग इलाकों में ऐसी आग देखने को मिली है, और देखिए खासकर झुग्गियों में ऐसी आग देखने को मिली है। तो लोगों का कहना है कि झुग्गियों को या तो हटा दिया जाए या फिर जो है सरकार की तरफ से सुरक्षा बरती जाए, जो तार खुले हैं उन तारों को सही किया जाए निगम की तरफ से। साथ ही साथ देखिए, आज जो तीसरी सबसे बड़ी खबर है वो पानी को लेकर है, क्योंकि आज गुरुग्राम नगर निगम ने पहले ही देखिए हालांकि नोटिस जारी कर दिया था कि पानी आज के दिन नहीं आएगा, लेकिन आज जिस तरह से गुरुग्राम के अलग अलग इलाकों में पानी की किल्लत जो है वो सुबह से ही देखी गई है, और कहीं ना कहीं देखिए लोग जो है वो परेशान है, क्योंकि गर्मी का मौसम है और अब ऐसे गर्मी के मौसम में जिस तरह से अब पानी की समस्या जो है वो साइबर सिटी में लगातार बढ़ती जा रही है। हालांकि देखिए, निगम की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है कि जिन इलाकों में पानी की सप्लाई नहीं है वहां टैंकर से पानी की सप्लाई की जाएगी, लेकिन उसके बाद भी लोग परेशान हैं, क्योंकि कई ऐसे इलाके हैं जहां टैंकर भी नहीं पहुंच पा रहे हैं। साथ ही साथ देखिए, जो चौथी सबसे बड़ी खबर है वो निगम चुनावों को लेकर है, क्योंकि अब जिस तरह से निगम चुनाव नजदीक आ रहे हैं इसे लेकर देखिए तमाम पार्टियां जो हैं वो निगम चुनावों की तैयारियों में जुट चुकी है। भारतीय जनता पार्टी की बात करें, कांग्रेस की बात करें, चाहे आम आदमी पार्टी की हम बात करें, तमाम जो पार्टियां हैं वो जनता के बीच जाकर जनता से वोट की अपील कर रही है। देखिए, सभी जो प्रत्याशी हैं उन सभी ने तैयारियां शुरू कर दी है। हालांकि देखिए, पार्टी की तरफ से अभी तक किसी का नाम सामने नहीं आया है मेयर पद के, ना तो मेयर पद के लिए ना पार्षदों के जो प्रत्याशी हैं उनके, लेकिन सभी जो लोग हैं वो अब तैयारियों में जुट चुके हैं। इसे लेकर देखिए आज आम आदमी पार्टी, क्योंकि आम आदमी पार्टी नेशनल पार्टी का आम आदमी पार्टी को दर्जा मिला है, उसके बाद आज आम आदमी पार्टी गुरुग्राम में डोर टू डोर कैंपेन करेगी। हालांकि देखिए, इससे पहले भी आम आदमी पार्टी ने ऐसा एक कैंपेन किया था, लेकिन आज आम आदमी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता और बड़े नेता जो है इस कैंपेन में शामिल होंगे और लोगों को अपने विचारों से जोड़ेंगे। साथ ही साथ देखिए, इस बार के जो निगम चुनाव है उसमें आम आदमी पार्टी दिल्ली को अपना जो है मुद्दा बना रही है, पानी और बिजली की समस्या को लेकर जो है लोगों के बीच उतर रही है, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं गुरुग्राम नगर निगम में पानी, बिजली और सड़क की जो समस्या है वो सबसे ज्यादा है। ऐसे में जो पार्टियां हैं वो इन समस्याओं को लेकर इस बार निगम चुनाव में उतर रही है। साथ ही साथ देखिए, जो सबसे बड़ी खबर है वो देखिए अवैध खनन को लेकर है, क्योंकि अरावली पर्वत श्रृंखला में हमने पहले भी देखिए अपने दर्शकों को कई बार दिखाया है कि अवैध खनन लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि देखिए, प्रशासन की तरफ से बार बार ये कहा जाता है कि अवैध खनन माफियाओं पर जो है सख्ती बरती जाएगी, उन पर निगरानी रखी जाएगी। इसे लेकर देखिए, प्रशासन ने ड्रोन से नजर रखने की भी बात कही थी, लेकिन उसके बाद भी जिस तरह से अरावली के क्षेत्र में अवैध खनन लगातार बढ़ रहा है, देखिए वो कहीं ना कहीं ये साफ जता रहा है कि प्रशासन की मिलीभगत देखिए हम इसे कहें तो गलत नहीं होगा, क्योंकि लोग अब प्रशासन पर इल्जाम लगा रहे हैं कि शायद अब प्रशासन की मिलीभगत अवैध खनन माफियाओं के साथ है, इसीलिए उनके हौसले इतने ज्यादा बुलंद है कि लगातार देखिए अवैध खनन जो है वो
वो बढ़ते जा रहे हैं, रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। जी मनु, आपका रुख करना चाहूंगा, फरीदाबाद में आज क्या कुछ खास रहने वाला है? फरीदाबाद में आज जो है दुर्गेश, मैं आपको बता दूं, फरीदाबाद में सबसे बड़ा जो मामला चल रहा है वो कोरोना को लेकर के चल रहा है। जिस तरीके से मैं बता दूं कि बीते 24 घंटे में जो है 184 मामले जो है सामने आए हैं, जिनमें से 16 लोगों को भर्ती करा दिया गया है। वहीं कुल एक्टिव की बात की जाए तो 779 जो है मामले एक्टिव है। होम क्वारंटाइन जो लोगों को किया हुआ है वो 763 लोगों को होम क्वारंटाइन किया गया है। उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर चल रही है, लेकिन इसके साथ साथ मैं राजनीति की बात बता दूं तो जो चित्रकाम के विधायक राजेश नागर है वो जो है आज अनाज मंडी का दौरा करेंगे और लोगों से और किसानों से और जो मंडी की जो कमेटी है उससे लगातार बातचीत करेंगे कि किस तरीके की खरीदारी चल रही है, क्या किस तरीके की सुविधाएं मंडी में है। उस तरीके की यहाँ पर जो चित्रकामगिरी विधानसभा के राजेश नागर है वो दौरा करेंगे। तो उसके साथ साथ मैं बता दूं कि पृथला विधानसभा की बात की जाए तो जो निर्दलीय विधायक नयनपाल रावत है वो 125 करोड़ की परियोजनाओं का जो है शिलान्यास करेंगे। यहाँ पर जो है उसमें झोड़ है, सड़कें हैं या नायके हैं, इस तरीके की जो परियोजनाएं हैं उनको लेकर के आज वो शिलान्यास करेंगे। उसके साथ साथ मैं बता दूं कि नगर निगम के सफाई कर्मचारी आज जो है फरीदाबाद के नगर निगम पर धरना प्रदर्शन करेंगे और लगातार जो उनकी पुरानी मांगे हैं पक्का करने को लेकर के उनको और उनकी जो तनख्वाह है उसको लेकर के वो यहाँ पर धरना प्रदर्शन करेंगे, इस तरीके की यहाँ पर रहेंगे। उसके साथ साथ मैं बता दूं कि दुर्गेश जो कांग्रेस के पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल है, अवतार सिंह जो बढ़ाना है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो है जो बीजेपी की जो नीतियां हैं उनको लेकर के यहाँ पर रखेंगे कि किस तरीके की जो सरकार है वो काम कर रही है या किस तरीके की जो जनता के बीच नहीं पहुंच पा रही है, तो इस तरीके की तमाम बातों को लेकर के यहाँ जो अवतार सिंह बढ़ाना है वो यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इसके साथ साथ मैं बता दूं कि जो मंडी को लेकर के तो कहीं ना कहीं जो किसान है वो बिल्कुल खुश नजर आ रहे हैं कि जिस तरीके से खरीदारी जो लगातार किसानों का एक एक दाना खरीदने की बात सरकार कह रही है, तो लगातार किसान जो है जो एनजीओ जो फूड सेक्टर जो है वो लगातार खरीदारी कर रही है। तो उसके साथ साथ मौसम विभाग की बात बता दूं तो लगातार जिस तरीके से मौसम लगातार गर्म होता जा रहा है, तेज होती जा रही है, तो उससे कहीं ना कहीं चिंता जो है लोगों में बन गई क्योंकि लोग शॉपिंग करने के लिए बाहर नहीं जा पा रहे। जी गुंजन, आपका रुख करना चाहूंगा, जैसा कि आपने बताया कि गुरुग्राम में निगम चुनाव को लेकर सारी पार्टियां तैयारियों में जुट गई है, तो क्या कुछ मुद्दे अहम रहने वाले हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है, लोगों का क्या कहना है निगम चुनाव को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए दुर्गेश, गुरुग्राम की अगर हम बात करें तो साइबर सिटी में जिस तरह की अव्यवस्थाएं देखने को मिल रही है, देखिए निगम चुनाव कहने को छोटे स्तर के चुनाव होते हैं लेकिन ये लोगों की आम जरूरतों को पूरा करते हैं। सड़क, पानी, बिजली की समस्याओं को निगम चुनाव के जरिए जो है सही किया जाता है। लोग निगम पार्षदों का चुनाव करते हैं ताकि लोगों को इन समस्याओं का सामना ना करना पड़े। ऐसे में देखिए अगर बारिश की अगर मैं बात करूं, बारिश आती है तो गुरुग्राम की सड़कों पर, साइबर सिटी की सड़कों पर पानी का जमाव इकट्ठा हो जाता है। वहीं देखिए अगर मैं बिजली की बात करूं तो बिजली की समस्या काफी ज्यादा है और बिजली की समस्या इतनी ज्यादा है कि अभी अगर बीते कुछ दिनों पहले की मैं बात करूं तो गुरुग्राम के सिविल हॉस्पिटल में देखिए 12 घंटे बिजली नहीं थी, तो ये एक सबसे बड़ी समस्या है। ऐसे में देखिए जितने भी प्रत्याशी इस बार निगम चुनावों की तैयारियां कर रहे हैं और तैयारियों में उतर रहे हैं वो इन बेसिक समस्याओं को लेकर जो है तैयारियों में उतर रहे हैं। देखिए पहले दुर्गेश ऐसा हुआ करता था कि लोग नाम के जरिए लोगों को वोट दिया करते थे, लेकिन अब क्योंकि वक्त बदल चुका है और बदलते वक्त में देखिए लोगों की जरूरतें बदल चुकी हैं, ऐसे में लोग ये देखिए ये जो है तय करते हैं कि जो इन समस्याओं को दूर करेगा, उन समस्याओं को जो दूर करेगा उसी को वो वोट दे और उसी का चुनाव करे, क्योंकि देखिए ये बहुत जरूरी हो जाता है। 5 साल के लिए कोई भी निगम में मेयर बनता है, 5 साल के लिए कोई भी पार्षद चुनकर आता है, ऐसे में ये जरूरी हो जाता है कि ऐसे व्यक्ति का चुनाव हो जो उन लोगों की समस्याओं को सुने और उनके एरिया को। गुंजन, आपको रोकना चाहूंगा, मोनू निगम चुनाव फरीदाबाद में भी होने वाले हैं और आप जैसा बता रहे हैं कि करतार सिंह भड़ाना पीसी करेंगे तो ये एक अलग इशू है, लेकिन निगम चुनाव को लेकर क्या कुछ कहना है वहां के लोगों का, लोगों के लिए क्या प्राथमिकताएं हैं?
देखिए आम नागरिक की बात की जाए तो लगातार दुर्गेश आम नागरिक जो है लगातार जो है बीजेपी की कहीं ना कहीं कमियां थोड़ी सी हल्की बता रहे हैं, क्योंकि लगातार जिस तरीके से लोगों का कहना है कि अगर पार्षद चुन के आ जाए तो आ जाते हैं तो लगातार जो विकास है वो गति पकड़ सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो बिगर पार्षद की जो कमियां हैं कॉलोनी है या सेक्टर है उनमें कहीं ना कहीं कमियां रह जाती है, क्योंकि कोई सुनने वाला नहीं होता। विधायक है वो ज्यादातर चंडीगढ़ रहते हैं या दो या तीन दिन मुलाकात हो पाती है विधायक से, तो लगातार जिस तरीके की जो समस्याएं हैं आम जनता को करनी पड़ रही है वो बिगर इलेक्शन के करनी पड़ती है। तो लगातार जनता का यही कहना कि बीजेपी जल्द से जल्द इलेक्शन करके और नगर निगम के जो चुनिंदा पार्षद आएंगे उनको लेकर के वो जो एरिया है जो वार्ड है उनमें विकास कराया जाए, तो इस तरीके की जो तमाम बातें हैं वो यहाँ पर आ रही है। लेकिन इसके दूसरे इसके साथ साथ जो पार्षद के उम्मीदवार हैं वो लगातार जनता के बीच में जा रहे हैं और अपनी बातों को रख रहे हैं कि जिस तरीके से अगर वो जीत के आते हैं तो इन समस्याओं को निपटारा किया जाए, चाहे वो समर सिवन की बात हो, चाहे वो लाइट की बात हो, चाहे वो रोड की बात हो, चाहे वो पार्क की बात हो, तो लगातार तमाम जो जितने भी। शुक्रिया मोहन, काफी अहम जानकारी आपने हमारे दर्शकों तक पहुंचाई। गुंजन जोशी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने भी काफी अहम जानकारी हमारे दर्शकों को दी। तो हल्का हलचल में फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।